उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त हो चुकी है, इसके एक वानगी सोनभद्र में देखने को मिली। जिले के घोरावल गांव में जमीन पर कब्जे को लेकर भू माफियाओं ने बुधवार की दोपहर 3 महिलाओं समेत 9 आदिवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले को लेकर अफसोस जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सूबे की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा। प्रियंका ने ट्विटर के जरिए कहा कि भाजपा राज में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि दिन दहाड़े हत्याओं का दौर जारी है। सोनभद्र के उम्भा गांव में भू माफियाओं द्वारा 3 महिलाओं सहित 9 गोंड आदिवासियों की सरेआम हत्या ने दिल दहला दिया है। प्रशासन, प्रदेश मुखिया, मंत्री सब सो रहे हैं। क्या ऐसे बनेगा अपराध मुक्त प्रदेश?